मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 10th सब्जेक्ट इंग्लिश ग्रामर। डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट ग्रामर वर्क बिकॉज आवर रीडर वर्क लेसन्स आर कंप्लीट बट पोएम्स आर रिमेनिंग। वी विल डू द पोएम्स आफ्टर आवर ग्रामर वर्क। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर स्टोरी राइटिंग। स्टोरी राइटिंग कंटेन 10 मार्क्स इन योर सिलेबस एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू डू। Before writing the story, keep in mind you have to make 6 to 7 stanzas. जब आप स्टोरी लिखते हैं, you have to make 6 to 7, 8 stanzas. Because 170 to 180 words. जो स्टोरी है आपकी वो लेंथी होती है एंड देयर इज आपकी वर्ड लिमिट होती है 160, 70, 80 वर्ड्स की ये होती है एंड यू हैव टू मेक स्टैंजास इन। स्टैंजा आपको बनाने पड़ते हैं एंड देर आर टू टाइप्स ऑफ स्टोरीज इन योर सिलेबस। फर्स्ट इज कंप्लीशन ऑफ द स्टोरी। स्टोरी को कंप्लीट करना। देर विल बी वन स्टैंजा। विद द हेल्प ऑफ दैट स्टैंजा यू हैव टू कंप्लीट द स्टोरी। सेकेंड टाइप इज बेटा, सेकेंड टाइप है देर विल बी डिक्टेटिव वर्ड्स। कुछ वर्ड्स होंगे स्टोरी के बीच में से, विद द हेल्प ऑफ दैट वर्ड्स यू हैव टू कंप्लीट दिस स्टोरी। देर इज नो चॉइस टू राइट एनीथिंग बिकॉज यू हैव टू टेक द हेल्प ऑफ दैट वर्ड्स ओनली। बट नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम कंप्लीशन ऑफ द स्टोरी। इन इट यू हैव वन स्टैंजा, विद द हेल्प ऑफ दैट लाइन्स यू हैव टू कंप्लीट योर स्टोरी एंड देयर शुड बी वेरिएशन इन स्टोरी। सबका माइंड अलग अलग है तो अपने अकॉर्डिंग यू कैन डेवलप योर स्टोरी। एंड बिफोर राइटिंग द स्टोरी फर्स्ट ऑफ ऑल मेक अ आउटलाइन इन योर माइंड। स्टोरी की पूरी आउटलाइन आप अपने माइंड में बनाएंगे एंड विद द हेल्प ऑफ दैट आउटलाइन यू हैव टू गिव द टाइटल ऑफ द स्टोरी। आपको टाइटल देना है स्टोरी का। अब देखिए आप टाइटल क्या देंगे स्टोरी का। आप पूरे स्टोरी के जब आपके माइंड में एक स्टोरी बन गई तो आपने उसी के थ्रू कोई नेम, जो टाइटल है वो शॉर्ट होना चाहिए बट एक्यूरेट होना चाहिए जो आपकी पूरी स्टोरी को कवर करे, तो आप उसको वो नेम दें। इट मीन्स टाइटल इज वेरी नेसेसरी। इन 10 मार्क्स 1 मार्क्स जो आपका 1 मार्क है वो आपका टाइटल का ही होता है। एंड देखिए बेटा यहाँ एक स्टैंजा है, विद द हेल्प ऑफ दैट स्टैंजा आई विल एक्सप्लेन यू दिस स्टोरी। फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव रिटन द टाइटल। देखिए वाइज लिटिल बुनी, बुद्धिमान लिटिल बुनी। अब देखिए व्हेन यू स्टार्ट टू राइट द टाइटल, राइट द फर्स्ट लेटर कैपिटल वाइज डब्ल्यू कैपिटल, लिटिल एल कैपिटल, गुल्लू जी कैपिटल। फर्स्ट लेटर ऑफ द टाइटल शुड बी कैपिटल, कैपिटल होने चाहिए। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट। इट वॉज रेनी सीजन, रेनी सीजन था। देयर हैड बीन अ हैवी रेन द प्रीवियस नाइट, प्रीवियस नाइट बड़ी तेज बारिश हुई थी। लिटिल गुल्लू बिकेम क्यूरियस एंड वेंट टू द रिवर साइड टू सी इट फ्लोइंग अप टू द ब्रिम। जो लिटिल गुल्लू था क्यूरियस मीन्स जानने का इच्छुक था एंड वेंट टू द रिवर साइड टू सी इट फ्लोइंग, उसको बहते हुए देखने जाना चाहता था कि वो ब्रिम, ब्रिम होते हैं देखिए आप लोगों ने देखा होगा जो रिवर होती है वहाँ पर थोड़ी ऊपर तक बनाया होता है ब्रिक्स का, तो वहाँ तक वो जाना चाहता था। टू हिज ग्रेट एस्टोनिशमेंट ही फाउंड द रेलवे ब्रिज वॉश्ड। द ग्रेट इज ग्रेट एस्टोनिशमेंट, एस्टोनिशमेंट होता है सरप्राइज, उसके लिए बड़ा ही बहुत बड़ा सरप्राइज क्या था, ही फाउंड द रेलवे ब्रिज वॉश्ड। उसने रेलवे ब्रिज को वॉश्ड मीन्स बेटा टूटा हुआ, उसको रेलवे ब्रिज टूटा हुआ मिला। सून ही हियर द रोर ऑफ अ ट्रेन, तभी उसको उधर से ट्रेन के आने की आवाज़ सुनी। तो देखिए ट्रेन आ रही है और उसके ऊपर ब्रिज टूटा हुआ है, बड़ा ही डिफिकल्ट टाइम है। एंड इट वॉज द इवनिंग टाइम, इवनिंग टाइम है तो देर वॉज नॉट एनी अदर पीपल, कोई पीपल भी नहीं था। नाउ यू हैव टू कंप्लीट द स्टोरी। अब क्या करेंगे इससे आप,
देखिए मैंने इसको दिया है 22 लीटर गुल्लू टाइटल दिया है। अब कैसे 22 बना? तो गुल्लू वाज सरप्राइज टू सी दिस एंड इट वाज गुल्लू रिस्पॉन्सिबिलिटी हाउ टू सेव दी पैसेंजर्स। देयर वर हंड्रेड्स ऑफ पैसेंजर इन दी ट्रेन एंड इट वाज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गुल्लू। अब गुल्लू क्या करता है? गुल्लू हैड अ टॉर्च, उसके पास एक टॉर्च थी बिकॉज इट वाज द इवनिंग टाइम। तो वो क्या करता है? ही ब्लो द टॉर्च एंड केम टू द रेलवे ब्रिज। रेलवे ब्रिज पर आ जाता है, ब्लो कर देता है वो टॉर्च को। जो ड्राइवर था, ड्राइवर सा दी रेड लाइट एंड यू नो दैट रेड लाइट इज अ सिंबल ऑफ डेंजर, डेंजर का सिंबल है। ही रिकॉग्नाइज द डेंजर, ही स्टॉप द ट्रेन एंड ही केम नियर टू द गुल्लू एंड ही आस्क्ड हिम व्हाई यू गिव मी द सिग्नल। देन गुल्लू टोल्ड हिम दैट रेलवे ब्रिज इज वॉश्ड अवे। टू हियर दिस ड्राइवर वॉज वेरी कंफ्यूज बिकॉज ही डिड नॉट गेट एनी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम दी अथॉरिटीज। बट वेन ही सॉ द ब्रिज ही वॉज एस्टोनिश्ड, ही वॉज सरप्राइज दैट गुल्लू वॉज राइट, द ब्रिज वॉज वॉश्ड अवे, टूट चुका था। वैन इफ ही डिड नॉट गिव द सिग्नल ऑल द पैसेंजर मे बी डाइड, मर सकते थे। गुल्लू सेव द लाइफ ऑफ हंड्रेड्स ऑफ पीपल। टू सी दिस ड्राइवर बिकेम वेरी हैप्पी, बड़ा खुश हो जाता है ड्राइवर एंड ही वॉन्टेड टू गिव सम प्राइज टू द गुल्लू। ही गेव हिम सम मनी बट गुल्लू सेड नो, ही डिड नॉट वॉन्ट एनी मनी बट ही फील वेरी हैप्पी टू सेव सो मैनी पीपल। देन मैनी पीपल ऑल्सो गेम देयर, दे वर ऑल्सो वेरी हैप्पी टू सी द ब्रेवरी ऑफ अ लिटिल बॉय, दे ऑल्सो प्रेज हिम। When he returned back, he was very relieved, very happy because he had done a very holy work. बड़ा अच्छा काम किया था उसने। After this, he get a news that became him happy that he was awarded a prize on children. जो ड्राइवर था, ड्राइवर told the whole story to the higher authorities and higher authorities decided to give prize to the gullu on children. This is the story beta and you can write your own story. If you have any other idea, then you can complete the story with that idea. You have to write this story in your fair notebook. आपको अपनी फेयर नोटबुक में ये स्टोरी राइट करनी है, कंप्लीट स्टोरी यू हैव टू राइट इन योर फेयर नोटबुक। थैंक यू।